हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है। आप इसे पूरे ध्यान से देखें दोस्तों, क्योंकि आप भी मांग करते हैं लगातार वर्ग एक में पद वृद्धि हो, वर्ग दो में पद वृद्धि हो, हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो वर्ग एक का। तो उसी संबंध में दोस्तों, एक अवेयरनेस के रूप में ये वीडियो है दोस्तों। ये आदेश आप देख रहे होंगे लोक शिक्षण संचालन मध्य प्रदेश से जारी हुआ है 3/1/2024 का ये आदेश है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जिला शिक्षा अधिकारी समस्त मध्य प्रदेश दिनांक 18/8/2021 को बगैर अनुमति के चाइनीज शिक्षकों द्वारा भाजपा कार्यालय भोपाल में धरना प्रदर्शन के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण के संबंध में। तो दोस्तों, हमारी जितनी भी मुहिम होती है, जमीन स्तर की टीम है, वो पहले परमिशन लेती है, पूरी स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है और फिर आपके सामने अपडेट लाई जाती है दोस्तों। तो बिना परमिशन के कभी भी प्रदर्शन ना करें, नहीं तो आप के ऊपर प्रकरण दर्ज हो सकता है, जिससे आपको ज्वाइनिंग लेने में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। पूरा आदेश हम देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे संदर्भ थाना प्रभारी, थाना हबीबगंज भोपाल, विषयांतर प्रकरण में संदर्भित पत्र की छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि संदर्भित पत्र के अनुसार पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के द्वारा कोरोना महामारी के दौरान दिनांक 18/8/2021 को कार्यालय भारतीय जनता पार्टी 7 नंबर स्टाफ अरेरा कॉलोनी भोपाल में बगैर अनुमति के धरना प्रदर्शन किए जाने के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण और ये धाराएं दी गई हैं दोस्तों, थाना हबीबगंज भोपाल में पंजीबद्ध है। संदर्भित पत्र में उल्लिखित अभ्यर्थियों के प्रकरण निराकरण हेतु थाना हबीबगंज में उपस्थित होना है। संलग्न पत्र में उल्लिखित अभ्यर्थी यदि आपके जिले में कार्यरत हैं, यानी इनकी जॉब लग चुकी है, तो अभी उनकी जानकारी थाना प्रभारी, थाना हबीबगंज एवं इस कार्यालय के उपलब्ध कराएं दोस्तों। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि धरना प्रदर्शन करना है, अपनी बात पहुँचानी है, ज्ञापन भी यदि देना है तो नियमों का पालन जरूर करें दोस्तों, नहीं तो प्रॉब्लम सिर्फ आपको और आपको ही होनी है। बहरहाल दोस्तों, इनमें जो भी लोग हैं, वो जिनके भी नाम दर्ज हैं, वो आप सभी जानते होंगे, उनका मैं नाम शो इसलिए नहीं करूँगा कि सोशल मीडिया पर किसी का भी नाम शो करना ठीक नहीं है। दूसरा ये है कि उन्होंने अपनी हक की मांग की है, चाहे नियम कैसे भी रहे हो, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक मांग की है कि हम यदि मेरिट में आ गए तो हमें नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएं, और ये मांग अपने आप में बिल्कुल सही है, जायज़ है, मैं इसे बिल्कुल सही मानता हूं। क्योंकि ये काम यदि आप मेरिट लिस्ट डाल रहे हो, उनका नाम है, तो ज्वाइनिंग देना आपका काम है, उन्हें मांग करनी ही क्यों पड़ी, क्योंकि इस पर भी आपको संज्ञान में तो लेना ही चाहिए। यदि स्टूडेंट के पद खाली हैं, शिक्षक भर्ती में पद कम आ रहे हैं, उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, तो आगे की कार्रवाई गवर्नमेंट को जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए, जिससे कि उन्हें ऐसा कुछ प्रदर्शन करना ही ना पड़े। कौन स्टूडेंट इतनी ठंड में या गर्मियों में या बरसात में भोपाल जाकर प्रदर्शन करना चाहेगा? वो तो अपनी नौकरी पर जाना चाहेगा, उसी के लिए तो वो मांग कर रहा है, उसी के लिए तो वो अच्छे नंबर लेके आया है। जब वो नहीं सुनी जाती है तब वो जाकर प्रदर्शन करता है। तो मैं यही कहूँगा कि स्टूडेंट की हालत को समझें, उनकी मनोस्थिति को समझें, लाखों रुपए लगा के अपनी पढ़ाई में और एक नौकरी की उम्मीद में वो वर्षों खर्च कर देता है, उसकी कीमती जो 5 साल से लेके 10 साल होते हैं वो तक चले जाते हैं, उसके बाद वो ऑपरेज हो जाता है, कभी फिर एग्जाम नहीं दे पाता है। तो इस ओर भी ध्यान दें, रोजगार की ओर भी ध्यान दें, और जल्द से जल्द जो भी, चाहे मैं वर्ग की अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, क्या कारण है वो तो ESB वाले ही जाने, लेकिन रिजल्ट भी आना चाहिए था और अभी तक ज्वाइनिंग भी हो जानी चाहिए थी, लेकिन ज्वाइनिंग तो दूर है, रिजल्ट भी देखने को अभी तक नसीब नहीं हुआ है, और आगे लोकसभा की आचार संहिता लग सकती है चुनाव की, तो फिर और प्रॉब्लम्स हो जाएगी। वहीं वर्ग दो की बात करें, अभी तक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन शेड्यूल कुछ भी नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं वो मांग तो करेंगे, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा, जब उस पर नहीं सुनी जाती है तो जमीनी स्तर पर। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जो भी मांग करें, जो भी प्रदर्शन करें, आपको परमिशन लेकर ही करनी है दोस्तों। आपको नियमों का पालन करना है, नियमों के दायरे में रहना है, और उस दायरे में रहकर ही अपनी मांग को जारी रखना है, जिससे आपको लाभ मिल सके। आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। धन्यवाद।